नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम ये प्लान कर लेते हैं कि हमें जिस महीने से भी अनार का फल पकड़ाना है, तो सबसे पहले जो हम प्रक्रिया शुरू करते हैं, जैसे मैंने प्लान किया था कि मुझे मार्च महीने में फल चाहिए, तो नवंबर के महीने में मैंने सबसे पहले अपने प्लांट्स का पानी बंद कर दिया। 15 दिन तक बिल्कुल आपको पानी नहीं देना है। हाँ, पानी देने से पहले जब आप पानी बंद करें, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो हम खातर कहते हैं, जिसको हम खाद कहते हैं, गाय की खाद होती है, वो प्लांट में डालनी है। तो मान लीजिए आपका कि अगर 3 साल का प्लांट है, तो आप चाहें तो दोनों तरफ प्लांट के 5-5 किलो खाद, साथ में आप उसके माइक्रोन्यूट्रन डाल सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रन के साथ साथ आप उसमें नीम केक या जिसको नीम खोड़ कहा जाता है, उसका भी उपयोग करें। तो मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले यहाँ पे खोद के पेड़ के पास कि आपको जो वो खाद डालनी है वो किस जगह पर डालनी है, यानी जो आपका पेड़ है और जहाँ पे उसकी डालियाँ हैं, जो उसकी डालियाँ बाहर आ रही हैं, ठीक उसके नीचे आपको खोदना है। आप जब वहाँ खुदाई करेंगे तो थोड़ा खोदने के बाद आप खुद देखेंगे कि वहाँ पे आपको कुछ जड़ें मिल रही हैं, कुछ जड़ें दिखाई दे रही हैं। ये जो आपको जड़ें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम वाइट रूट कहते हैं, ये वाइट रूट क्या होता है, ये टूटती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। अगर आप इनको तोड़ते रहेंगे और ये नई बनती रहेंगी, तो आपका जो पेड़ है उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इन्हीं वो रूट्स को खाद मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 किलो खाद इस तरफ, 5 किलो खाद उस तरफ, उसमें एक भरपूर पानी दीजिए। 2 से 3 घंटे आप पानी चलाइए। पानी चलाने के बाद आप 15 दिन तक पानी बंद कर दीजिए, और 15 दिन तक पानी बंद कर देने के बाद साथ ही साथ उसमें आप इथराइल मार दीजिए। इथराइल लगने के बाद क्या होगा कि 8 दिन के अंदर आपके जो पेड़ हैं उसकी सभी पत्तियां झड़ जाएंगी। तो जब 80% आपकी पत्तियां झड़ जाएंगी या पीली पड़ जाएंगी, उसके बाद आपको पानी चालू करना है, और पानी चालू करने के बाद ही आपके जो प्लांट हैं उसमें आपको दिखेगा कि नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। अब उसके बाद आपको क्या खाद देनी है और क्या रखरखाव करना है, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी कि आपका जो पेड़ है फिर से दोबारा फल देगा। पानी बंद करने से लेके फूल आने से लेके 6 महीने तक आपको क्या क्या उसमें आपको ध्यान रखना है, और वो 6 महीने के अंदर आपका फल जो तैयार होगा उसकी क्या क्वालिटी बनेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने अगले वीडियो में शेयर करूँगा। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।